नमस्कार, स्वागत है आपका संसार ग्रीन में। हम फिर से एक बार आ गए हैं एक नई वीडियो लेकर। आज की वीडियो के लिए हमने ऐसे इंडोर पौधे चुने हैं जो वैसे तो मिट्टी में लगते हैं, पर आप चाहें तो इन्हें सिर्फ पानी में लगा सकते हैं। हम चाहेंगे कि नए दर्शक पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अलर्ट्स के लिए बेल आइकन दबा लें। हम में से कईयों ने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि मनी प्लांट के अलावा और भी कोई ऐसा पौधा है जो पानी में ग्रो कर सकता है। आइए हम अपनी लिस्ट शुरू करते हैं। फिलोडेंड्रॉन, यह एरेसी कुल का फूलों वाला पौधा है। इंडोर प्लांट्स में यह काफ़ी जाना माना नाम है। आप चाहें तो इन पौधों को सिर्फ पानी में भी लगा सकते हैं। अट्रैक्टिव भी लगेंगे और आपके घर के इंटीरियर को एक नया लुक देंगे। अपने आप में यह एक नई और अनोखी चीज़ भी होगी। फिलोडेंड्रॉन को पानी में लगाने के लिए 8 से 10 इंच की कलम लें, शीशे के ट्रांसपेरेंट पॉट में नल का पानी डालें और कटिंग को पानी में ऐसे रखें कि कम से कम 2 इंच कटिंग पानी के अंदर रहे। आपको हर हफ्ते पानी बदलना होगा और पॉट को साफ रखें। दूसरे हफ्ते में जड़ें आने लगेंगी और पौधा ग्रो करने लगेगा। डेफिनबेचिया या डम्ब के, यह पौधे भी बहुत कॉमन इंडोर प्लांट हैं। इनके बड़े पत्ते औरों से एकदम अलग होते हैं। डम केन को भी पानी में ग्रो कराना आसान है। प्रक्रिया सारी वैसी ही होगी जैसी हमने फिलोडेंड्रॉन में किया, यानी कि 2 इंच कटिंग पानी के अंदर और बाकी बाहर रहेगी। हफ्ते में एक बार पानी बदलेंगे और टैप वाटर यानी नल के पानी का ही इस्तेमाल होगा। प्लांट को इरेक्ट या सीधा रखने के लिए पॉट में रंगीन पत्थर या कांच की रंग बिरंगी गोलियां रखें तो और भी सुंदर लगेगा। रियो या ऑयस्टर प्लांट, अपने हरे रंग के साथ बैंगनी रंग के खूबसूरत सुरताल के लिए यह जाने जाते हैं। हर पत्ती सामने से हरी और पीछे से बैंगनी होती है। इन्हें भी पानी में लगाया जा सकता है। आप हमेशा साफ पानी का इस्तेमाल करें, लेकिन फिल्टर वाटर इस्तेमाल ना करें। फिल्टर प्लांट्स के लिए जरूरी मिनरल्स को भी पानी से निकाल देता है, और फिर ऐसे पानी में प्लांट कैसे ग्रो करेगा। इनके पॉट में ज़्यादा पानी ना दें। पॉट में 1 से 2 इंच तक ही पानी रखें और उस पानी को हर हफ्ते बदलें। आपका ऑयस्टर प्लांट हरा भरा ही नहीं, हरा बैंगनी भी रहेगा। मनी प्लांट, यह फोटोज की सबसे पॉपुलर वैरायटी है और इसी नाम से पूरी दुनिया में जानी जाती है। मनी प्लांट पानी में भी लग सकता है और अच्छे से ग्रो करता है, यह तो आप जानते ही होंगे। अब इनकी एक अच्छी ग्रोथ के लिए काम की टिप हम आपको देते हैं। जब भी आप मनी प्लांट का पानी बदलें, पानी में 4 से 5 दाने यूरिया के डाल दें, फिर देखिए पत्तों की चमक। मनी प्लांट के लिए इनडायरेक्ट सनलाइट काफ़ी होता है। आप इन्हें आराम से घर के किसी भी कोने में रखें। सूरज की कमी ये ट्यूबलाइट, CFL और LED से भी पूरी कर लेंगे। लकी बैम्बू या ड्रेसीना, बेसिकली ये बांस नहीं है बल्कि एस्पेरेगेसी कुल के पौधे हैं, यानी खाए जाने वाले एस्पेरेगस की फैमिली से हैं। आप इन्हें छोटे पॉट में पानी में लगा सकते हैं। ये नो केयर या जीरो मेंटेनेंस प्लांट हैं। इन्हें सौभाग्य से भी जोड़कर देखा जाता है। सच्चाई चाहे जो भी हो, ये घर को डिकोर तो करेंगे ही। पानी रेगुलर इंटरवल पर बदलें और आप चाहें तो अपने पॉट को अलग अलग तरीके से सजा भी सकते हैं, खूबसूरत दिखेगा। वांडरिंग जीव या जेबरीना का पौधा भी इंडोर प्लांट है, जिसे ग्राउंड कवरिंग के तौर पर या फिर हैंगिंग पॉट में लगाया जाता है। ये पौधे भी साफ पानी में सर्वाइव भी कर जाते हैं और अच्छे से ग्रो भी करते हैं। आप 4 से 5 इंच की कटिंग भी पानी में अगर लगाते हैं और कलम की 1 से 2 गांठ तक पानी में डुबो कर रखें तो दूसरे हफ्ते में ही जड़ें आने लगेंगी और ग्रोथ शुरू हो जाएगी। इनका रंग भी बेहद शानदार होता है। बैंगनी के साथ हरे रंग की धारियां होती हैं। यह भी नो केयर प्लांट है। कॉमन वाटर हाइसेंथ या जलकुंभी, यदि आपके आसपास तालाब हो तो आपने यह पौधा जरूर देखा होगा, आप इससे परिचित भी होंगे। इसके फूल बहुत सुंदर होते हैं, पर हमारे विचार से इन्हें पॉट में ही लगाना चाहिए, वह भी बिना मिट्टी के। तालाब से यह सारी ऑक्सीजन सोखकर उसे ख़राब कर देते हैं। आप इन्हें ग्लास पॉट या ग्लास बाउल में लगाइए। इनका पानी आप चाहें तो महीने में एक बार भी बदलें चलेगा,
यह बहुत तेजी से ग्रो करते हैं, 1 से 2 और 2 से 4 होने में इन्हें वक्त नहीं लगता। चाइनीज एवरग्रीन या एग्लेओनेमस, यह पौधे लाल, हरे और सफ़ेद रंग के भी होते हैं। बेहतरीन इंडोर प्लांट्स में इनकी गिनती होती है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि इनकी कलम लगाने के लिए पानी ना सिर्फ मिट्टी से अच्छा माध्यम है, बल्कि यह पानी में भी अच्छे ग्रो करते हैं। ये पौधे भी बिना मिट्टी के पानी में लगाए जा सकते हैं। आप लगाकर देखें और सबको चौंका दें। बेहतर परिणाम के लिए आप इसके पानी में एक चुटकी इप्सम सॉल्ट भी डाल सकते हैं। पत्तों की चमक बढ़ जाएगी, लेकिन ध्यान रहे ज़्यादा मात्रा में इप्सम सॉल्ट आपको नहीं डालना है। होया, इन्हें हिंदू रोग प्लांट या वैक्स प्लांट के भी नाम से जाना जाता है। ये फूलों वाले पॉपुलर हाउस प्लांट हैं। इन पौधों को बीज से भी उगाया जाता है और इनकी कटिंग या कलम भी लगती है। इनकी जड़ वाली एक छोटी सी कलम को पानी में डाल दें, छोटे छोटे फूलों का खूबसूरत और सुगंधित गुच्छा तैयार होगा और आपको मिलेगा। होया पानी में लगाने के लिए एक अच्छा ऑप्शन है, आप इन्हें जरूर ट्राई कीजिए। रेन लिली या बरसाती लिली के नाजुक पौधे और कई रंगों के फूल आपने भी देखे होंगे और लगाए होंगे। इनका बोटैनिकल नाम जेफ्रायंथस है। रेन लिली के बल्ब को आप किसी भी कांच के बर्तन में पानी के साथ लगा सकते हैं। बर्तन में पानी बस 1 से 2 सेंटीमीटर तक रखें, उसमें बल्ब या कंद को सीधा रखें। बल्ब सीधी रहे इसके लिए आप छोटे रंगीन पत्थर या कांच की गोलियों से बर्तन को आधा भर सकते हैं। इस तरह इन पौधों में फूल भी खिलेंगे। हाँ, पानी जरूर हफ्ते में एक बार बदल दें और बर्तन को साफ रखें। सफाई सिर्फ हमें और आपको नहीं, फूलों को भी पसंद आती है। क्या फर्क पड़ता है अगर आप किसी ऊंचे अपार्टमेंट की सबसे ऊंची मंजिल पर रहते हैं? क्या हुआ अगर आपके आसपास मिट्टी नहीं है? शौक होना चाहिए पौधे और फूलों का। आप अपना शौक पालिए, बिना मिट्टी उगने वाले पौधे आपको हम बताएंगे। प्रकृति के खजाने में सब कुछ है और आपके पास ढूंढ कर लाने के लिए है संसार ग्रीन। जुड़े रहिए हमारे साथ और कमेंट करते रहिए। जरूर बताइए कि हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी।